नशीले पदार्थों का धंधा करने वाले दो लोगों को काबू किया है। मामला दर्ज कर दोषियों को माननीय अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड मांगा जाएगा। कोट खालसा थाने के इंचार्ज ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर गुरु अमरदास एवेन्यू में एक नाका लगाया गया था, जिस दौरान दो युवक नीले मोटरसाइकिल पर गुजरे। जब उन्हें रुकने का इशारा किया गया तो पुलिस पार्टी देखकर वे घबरा गए और मोटरसाइकिल का नियंत्रण खोने से गिर पड़े। मौके पर मौजूद पुलिस पार्टी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और उनसे 1200 नशीली गोलियां और 700 कैप्सूल बरामद किए हैं। दोषियों की पहचान पुनीत धवन हाथीगेट और विक्रम कांगड़क लोनी के रूप में हुई है। SHO कोट खालसा ने कहा कि दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। माननीय अदालत में दोषियों को पेश कर पुलिस रिमांड मांगा जाएगा। डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल, IPS कमिश्नर ऑफ पुलिस अमृतसर साहब जी वालों नशे के विरुद्ध चलाई मुहिम के तहत सरदार हरजीत सिंह धालीवाल, ADCP सिटी वन साहब के दिशा निर्देशों से कार्रवाई करदिया होया मेरे वालों भेजी हुई टीम SI हरजीतपाल ते बाकी पार्टी ने दो दोषियों काबू किया है, जिन्हों के पासों 1200 गोलियां नशीलियां ते 700 नशीले कैप्सूल बरामद होए ने। ACP लसंसिंग सरदार नरेंद्र सिंह मौके पर पुज के कानून अनुसार कार्रवाई करदे हां। इन्हां दोषियों की रिकवरी करने बाद इन्हां खिलाफ मुकदमा नंबर 116/2685 NDPS दर्ज किया गया है। अज इन मुलजमान को पेश अदालत करके इन्हों का पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा तो अगली तफ्तीश अमल में ली जाएगी। यह गुरु अमरदास एवेन्यू के परले बन्ने रेलवे लाइन के लाग्यों उतों काबू आए ने, मोटरसाइकिल ते आ रहे थे। जो तो पुलिस पार्टी ने इन्हों रोकने का इशारा किया, पुलिस पार्टी वेख के एकदम मुड़न लगे। पहले ने दूसरे मगरले बैठे बंदे लिफाफा फड़ा लगा तो एक हथ मोटरसाइकिल से मुड़िया ना तो एकदम डिग पे, जो डिग पे तो पुलिस पार्टी ने इन्हें काबू कर लिया। काबू करके कानून अनुसार कार्रवाई करदे हुए कल इन्हां ते केस रजिस्टर किया गया है। अज इन्हां पेश अदालत कर रहे हैं। ये एक तो हैगा जी पुनीत धवन, ये पिप्पल वाली गली बंबे वाला खूह अंदरून हाथीगेट का रहने वाला है। दूसरा हैगा विक्रम एलिस विक्की, जो कि कांड़ा कलोनी बटाला रोड का रहने वाला है। नहीं, इन्हों पहला मामला कोई तक नहीं पाया गया, फिर भी पड़ताल है रिकॉर्ड की करके दस दिता जाएगा। फिलहाल यह भी गल ध्यान च नहीं आई, यही तो तफ्तीश करना है। बाकी यही रिमांड लैके हासिल करके पता करना है, रिमांड हासिल करके यही गलों के उत्ते पहुँचा जाएगा भी समान कितों आया किए है। ये ड्रग डिक्टेड है जी? नहीं जी, दोनों ही ड्रग डिक्टेड नहीं है। ये तो व्यापारी कह लो, ये धंधा करने वाले समझ लो, कमीशन बेसिस कह लो, कमाई करने वाले कह लो, तो देश के दुश्मन कह लो, जो मर्जी कह लो, इन्हां वास्ते तो वर्ड ही कोई नहीं माड़ा वर्तन अपने को। पढ़े लिखे किन्ने क्या? एक ने BA की है, एक ने +2 की है। बेरोजगार ने इस करके कर दी? बेरोजगारी भी इन्नी नहीं है, जो एक बंदे नूं छेती अमीर बनन की लालसा होवे तो फिर कोई ना कोई गलत राह अपनांदा ही अपनांदा है।